दिल्ली के स्वरूप नगर में पहले गोलगप्पे खाने को लेकर विवाद, पीट पीट कर की युवक की हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। निर्भया गैंग रेप में आरोपी विनय शर्मा की खुली पोल, सुसाइड की कोशिश के बाद जांच के लिए ले जाया गया दीनदयाल अस्पताल, डॉक्टरों ने कहा फिट लेकिन लगाई आईसीयू में भर्ती करने की गुहार। दिल्ली के जामिया नगर में आपस में भिड़े दो गुट, कई राउंड हवाई फायरिंग, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला के भाई पर घटना को अंजाम देने का आरोप। हापुड़ में दिन दहाड़े सड़क चोरों ने लॉक तोड़कर चुराई बाइक, गली में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के फतेहपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के ही युवक पर दर्ज कराई रिपोर्ट, पुरानी रंजिश में हत्या का शक। सीसीटीवी में कैद हुई नोएडा पुलिस की गुंडई, नोएडा थाना फेस टू में पैसा न देने पर एक फिजियोथेरेपिस्ट को पुलिस वालों ने पीट कर किया आत्मरा। गुड़गांव के सोना में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक ही परिवार की महिलाओं और नाबालिग किशोरियों को बनाया दरिंदगी का शिकार, पति पत्नी की हत्या और लूट को अंजाम देकर फरार। फिल्म अभिनेत्री अलीजा खान ने हरिद्वार के कनखल में अपने पति लव कपूर के घर पर की तोड़फोड़, अलीजा ने ससुराल वालों पर लगाया संगीन आरोप। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में खेतों से मिला 12 साल की लड़की का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस ने मामला किया दर्ज। जोधपुर पुलिस ने महिला समेत चोर गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली, पुलिस को एक दर्जन एलसीडी से लेकर सोने चांदी के सिक्के समेत विदेशी मुद्रा बरामद। गया के बैरागी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों का पथराव, बदले में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ग्वालियर के बड़कीसराय गांव में 2 लड़कों को घायल कर खेत में छिपा तेंदुआ, वन विभाग की टीम पहुंची लेकिन अब तक हाथ खाली। बुंदेलखंड के झांसी में एटीएस ने छापा मारकर पकड़ा विस्फोटकों का जखीरा, एक शख्स भी गिरफ्तार। हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे बार में सीआरपीएफ के जवानों पर तोड़फोड़ का आरोप, गोलीबारी थाना पुलिस ने 2 जवानों को हिरासत में लिया। बोकारो पुलिस ने साइबर क्राइम में शामिल गिरोह के 5 लोगों को पकड़ा, यूपी बिहार जम्मू दिल्ली में लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के आरोप। जबलपुर के भेड़ाघाट से 2 युवतियों ने लगाई छलांग, सिपाही ने जान पर खेलकर एक युवती को बचाया मगर दूसरी बही। मुरैना पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम तोड़कर पैसे चुराने वाला गिरोह, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। उत्तरी 24 परगना में दत्तापुकुर में निजी टेलीकॉम कंपनी के नाम पर ठगी के आरोपी की पिटाई, पैसे लेकर टावर लगाने का किया था वादा। हावड़ा में ट्रक से टकराकर 55 साल के साइकिल सवार की मौत, हादसे के बाद देर तक सड़क पर पड़ा रहा घायल धीरेन नायक। समस्तीपुर स्टेशन पर बिकला एक्सप्रेस में लावारिस झोलों से करीब 35 बोतल शराब बरामद, कार्रवाई के दौरान स्टेशन से खिसके तस्कर। पटना में विजिलेंस टीम को बुडको के असिस्टेंट इंजीनियर कामेश्वर प्रसाद सिंह से मिली 5 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति, बैंक के लॉकर से नोटों के बंडलों समेत 2 किलो सोने की ईंट बरामद। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी का भाई अजय सरावगी कार में शराब पीते गिरफ्तार, 2 और साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान सरकार की सूचना के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य ड्रग कंट्रोलर ने रिक्वायर दवाइयों बनाने वाला 4 कंपनियों का काम, कम गुणवत्ता की दवाई सप्लाई करने का आरोप। रामपुर में बच्ची का अपहरण करने वाला एक शख्स गिरफ्तार, बच्चों को बेचने और भीख मंगवाने का आरोप। मालदा में एक शख्स के घर से पुलिस को 6 बंदूकों समेत 20 गोलियां बरामद, 50,000 के नकली नोट भी मिले, हिरासत में 4 आरोपी। शीना बोरा मर्डर कांड में आज तक के हाथ लगी पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप, बातचीत मर्डर के बारे में अहम सुराग। इंद्राणी और पीटर के बीच बातचीत, शीना के मर्डर के बाद जानकारी को छुपाने की कोशिश का खुलासा। फोन पर बातचीत को राहुल मुखर्जी ने किया था रिकॉर्ड, सीबीआई ने फोन से बातचीत के 20 में 7 नमूनों को सबूत के तौर पर किया इस्तेमाल। गिरफ्तार गुटखा कारोबारी रसिकलाल धारीवाल और जगदीश जोशी को 16 सितंबर तक अंतरिम जमानत, सीबीआई ने 18 अगस्त को दाखिल की थी चार्जशीट। गुटखा कारोबारी और रसिकलाल धारीवाल और जगदीश जोशी पर दाऊद की मदद का आरोप, कराची में दाऊद को गुटखा फैक्ट्री लगाने में की थी मदद। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौटे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, घाटी में 48वें दिन भी हालात जस के तस। कश्मीर में राजनाथ ने दिया शांति का फॉर्मूला, पैलेट गन के विकल्प पर विचार, सेना की कार्रवाई का महबूबा ने किया सपोर्ट, कहा क्या आर्मी कैंप तक टॉफी और दूध लेने गए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना का एक जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को फिर भारत ने किया खबरदार, विदेश सचिव को बातचीत की चिट्ठी के जवाब में भेजी जवाबी चिट्ठी, कहा सिर्फ आतंकवाद पर होगी बातचीत। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने फिर खोली नापाक जुबान, कहा गंभीर है हालात, सिर्फ बातचीत से निकलेगा हल। नागपुर में जन्माष्टमी से पहले निकली झांकी में लहराए गए तलवार और दूसरे धारदार हथियार, पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल समर्थक करते रहे नारेबाजी। मुंबई में सीएसटी के पास बहुमंजिला इमारत में लगी भयानक आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू।
मुंबई के नागपाड़ा में मामूली बात पर गुस्साए लोगों ने खड़ी गाड़ियों पर निकाला गुस्सा। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, कबाड़ी की दुकान पर चोरी के आरोपों को लेकर भड़का था विवाद। पुणे में जबलपुर में सड़क न होने पर शमशान घाट पहुंचने के लिए तालाब पार करने को मजबूर लोग, दबंगों ने किया सड़क पर कब्जा। महाराष्ट्र के अकोला में बारह तेंदुए की मौत, फिलहाल वजह बता पाने में नाकाम डॉक्टर। खंडवा में दो बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत, बाइक में आग लगने से मौके पर ही झुलसकर मरा युवक। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भालू के हमले से दो गांव वालों की मौत, तीन पुलिस वालों समेत चार लोग घायल। झालावाड़ में चवली नदी में गिरा तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर सुरक्षित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल की, देंगे आपके सवाल का जवाब और रोज की तरह एक बेहद खास, बेहद अहम रामबाण उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हर रोज की तरह सबसे पहले आज की सलाह। आज माँ लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइए। इसके बाद माँ लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करिए और अगर ये काम शाम को करें तो बड़ा अच्छा होगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो रही हैं, धन की मुश्किलें गायब हो रही हैं। अब जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, जीवन साथी के साथ तमाम मतभेद आपके सुलझ जाएंगे, नौकरी में नया अवसर भी आपको मिलेगा और अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर हो जाएगा। आज की सलाह ये है कि समस्याओं को आगे बढ़कर खुद सुलझाने की कोशिश करें और अगर कोई पड़ोसी, आपका कोई सहयोगी सहायता मांगने आता है ना, तो उसकी सहायता भी आज कर दीजिएगा। हल्की सुगंध लगाकर घर से निकलेंगे, आपका दिन बेहतर होगा। वृष राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त बने रहेंगे, काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन डाइजेशन बिगड़ सकता है, पाचन तंत्र का बहुत ध्यान दें। आज की सलाह ये है कि एक तो बाहर का खाना आप ना खाएं, स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, और घर की साफ सफाई करवाइए, घर में गंदगी रखने से तबीयत बिगड़ रही है आपकी। आज साथ में रुमाल जरूर रखिएगा, ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आपके क्रोध से आपके निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। संतान की हर समस्या आज हल होती हुई दिखाई दे रही है और नौकरी की स्थितियों में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि अपने बड़ों की सलाह आपको लेनी ही चाहिए, अपने बड़ों की सलाह आपको माननी ही चाहिए और साथ ही साथ उच्चाधिकारियों के साथ आज बहस नहीं करना है आपको और कुछ मीठा खाकर घर से निकलना है ताकि दिन आपका बेहतर हो जाए। कर्क राशि, मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी की स्थितियों में, परिस्थितियों में आज इंप्रूवमेंट दिख रहा है और अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो आज पैसे का फायदा भी होगा, आर्थिक लाभ के योग भी बन पा रहे हैं। देखिए आज की सलाह एक तो ये है कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए, दूसरी बात छोटी छोटी बातों पर तनाव बिल्कुल मत पालिए और आज पीले रंग का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आज का दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियां पहले की तुलना में फिलहाल बेहतर हैं, परिवार की समस्याएं भी आपके प्रयास से कम हो रही हैं और कोई चली आ रही समस्या भी समाप्त हो रही है, किसी चली आ रही समस्या का अंत भी दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि धैर्य और शांति आप बनाए रखें, वही आपके लिए बढ़िया है। घर के टूटे हुए फर्नीचर हटा दीजिए, इनको रखने से बेवजह जीवन में विवाद बढ़ रहा है और दही खाकर आज घर से निकलेंगे तो मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी आपको। कन्या राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है,
परिवार में आपकी व्यस्तता लगातार बनी हुई है, कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिए। आज की सलाह ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जो नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, उन कामों को बिल्कुल मत टालिएगा वरना मुश्किल होगी। धन और कर्ज संबंधी जो भी काम है उनको निपटा लीजिएगा और आज घर से निकलते समय मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। धर्मेंद्र ने हमें मेल लिखा है, नासिक से लिखते हैं ये। 21 जून 1979 का जन्म है, जन्म है रात को 10:40, जन्म का स्थान है नासिक। ये लिख रहे हैं कि इनके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बहुत हैं, विवाह चल तो रहा है लेकिन रोज कलह कलेश से परेशान हैं, रोज के विवादों से परेशान हैं, क्या उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली में दो बड़ी खास बातें हैं, एक तरफ शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है और दूसरी तरफ बृहस्पति भी एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो बृहस्पति चीजों को बैलेंस करता है, आपको रास्ते पर बनाए रखता है और दूसरी तरफ शनि और राहु आपके जीवन में नित्य नवीन निरंतर समस्याएं पैदा करते हैं। हमें इसे बैलेंस करना होगा तभी जाकर चीजें ठीक होंगी। क्या करना चाहिए, देखिए, एक तो रोज सुबह और रोज शाम स्नान करके गायत्री मंत्र का आप जप करिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है। सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और दूसरा, एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें। इससे जीवन में हार्मनी, जीवन में सुख शांति आती हुई दिखाई देगी। वैसे कुल मिला जुला के जनवरी से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप ज्योतिष के माध्यम से उसका समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों के लिए आज के तारे क्या कहते हैं। तुला राशि, पारिवारिक विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं, शांति बनाए रखें। सेहत भी बहुत अच्छी फिलहाल नहीं दिख रही लेकिन देर शाम लेट इवनिंग से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि देखिए, बेवजह वाद विवाद मत करिए, अनावश्यक वाद विवाद से बचिए। दूसरी बात, सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। और आज दही चीनी खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम होंगी, समस्याएं थोड़ी आसान हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है, सेहत का बहुत ख्याल रखना है और लंबी यात्रा अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज की सलाह ये है कि किसी भी तरह का बदलाव है, किसी भी तरह का परिवर्तन है, उसके लिए तैयार रहिए। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखिए और घर से कुछ खाकर ही निकलिएगा, खाली पेट नहीं निकलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। धनुराशि, मान सम्मान की, यश की प्राप्ति होगी आपको, परिवार की स्थितियों में यकीनन इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा और रोजगार की स्थितियां भी बेहतर होंगी, उन पर आपको ध्यान देना है। सलाह ये है कि खान पान का बहुत ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत खा लीजिएगा जिससे सेहत खराब हो जाए। परिवार में आज बहस मत करिएगा वरना इस बहस के परिणाम काफी बुरे हो सकते हैं। और आज चंदन का तिलक लगाइएगा या कंठ पर या माथे पर, किस्मत चमकने लगेगी, मुश्किल हल हो जाएगी। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है, संतान पक्ष को लेकर आपकी तमाम चिंताएं भी दूर हो रही हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, चंद्रबल बहुत अच्छा है इसलिए रुके हुए तमाम काम भी आपके बन रहे हैं। आज की सलाह यह है कि महत्वपूर्ण काम शाम के बाद ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। संतान की बात जरूर सुन लीजिए, उसको तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, उसकी बात सुनेंगे तो उसको एक ताकत मिलेगी। और आज अपने पास पेन जरूर रखिएगा ताकि किस्मत आपकी मजबूत बनी रहे, किस्मत की समस्या दूर होती रहे। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं और अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बेहतर हो रहा है। आज सलाह क्या है, किसी भी तरह का वहम मत पालिए, जीवन में इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसको लेके वहम पाला जाए। अपने काम करने के स्थान को व्यवस्थित रखिए, खराब मत करिए और पूजा के फूल लेकर ही घर से निकलेंगे तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। मीन राशि,
धन हानि से और नुकसान से आपको बचना है आज के दिन। सेहत की वजह से कहीं ना कहीं मन थोड़ा परेशान दिख रहा है, लेकिन इतना भी निश्चित है कि शाम तक आते आते आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सलाह ये है, किसी भी तरह के अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। धन स्थान की सुरक्षा पर आपको ध्यान देना है और सफेद वस्तुओं का दान करना है। ऐसा करने से आज का दिन बेहतर होगा, मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो हमने जान लिया मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। आप बहुत बार प्रयास कर रहे हैं या प्रयास कर रही हैं, मकान नहीं बन पा रहा, मकान नहीं खरीद पा रहे, क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार के दिन पति पत्नी मिलकर किसी मैदान में या छत पर बालू का एक मकान बनाएं, बालू का ढेर लगा के ऐसे मकान बना दें उसमें, और उसके बाद उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े की या लाल रंग के कागज की छोटी सी झंडी लगा दीजिएगा। आप देखेंगे ये प्रयोग करने के बाद अमूमन 6 महीने लगते हैं, बट शीघ्र से शीघ्र या तो मकान बन जाएगा या तो आप मकान खरीद लेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है और ये जानेंगे कि आने वाले वर्ष में उनका हाल कैसा रहने वाला है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने अलग अलग राशियों के लिए आज के दिन के हाल को समझा और बात की आज के अद्भुत और अचूक रामबाण उपाय की। अब जान लेते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उनके लिए आने वाले वर्ष में करियर में स्थिरता दिखाई दे रही है, धन और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का, खासतौर से आंखों का बहुत ध्यान रखना होगा और वर्ष के अंत में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना होगा। बेवजह विवाद ना हो, बेवजह झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। सलाह ये है कि पूरे वर्ष शनिवार को पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में अगर आप पहन ले तो बहुत सुंदर स्थितियां बनी रहे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।
एमपी में सड़क पर जिंदा जला युवक, खंडवा में टक्कर के बाद बाइक में आग, बाइक की आग से युवक की मौत, दो बाइक की टक्कर में एक मौत, तीन घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पर मौत का ये मंजर देखकर आप हिल जाएंगे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सड़क पर दो बाइक की भिड़ंत में एक युवक बाइक में फंसकर जिंदा जल गया, दूसरा युवक घायल होकर सड़क पर ही तड़पता रहा। हादसा खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव का है। चश्मदीदों के मुताबिक 18 साल का युवक ओसामा अपनी दो बहनों को बाइक पर बिठाकर घूमने जा रहा था। सिहाड़ा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से ओसामा की बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सामने से आ रहे बाइक सवार की गाड़ी की टंकी फट गई। टंकी से पेट्रोल निकला और चिंगारी के साथ धमाका हुआ। इसके बाद बाइक आग की लपटों में घिर गई। बाइक से निकलती आग और दूर तक फैला धुआं बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। आमने सामने बाइक टकराई दोनों की और एक आग लगी। आग लगने पर एक व्यक्ति जो था जिसकी डेड हो गई, वो फंसा हुआ था उसमें। फंसने के बाद जो तीन थे तो ये दो लड़की है बच्ची, जो एक की जांघ पे पूरी जल गई है और एक के सर पे लगा हुआ है, तो वो दूर फेंका गए थे। और एक जो उनका बच्चा है जो हमने हॉस्पिटल में लेकर साथ में, उसकी जांघ वो पूरा आधा धड़ जल चुका है। इसी आग में जलकर बाइक सवार की मौत हो गई। उसे राहगीरों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन 80% तक जल जाने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद बहनों को लेकर जा रहा ओसामा भी बुरी तरह घायल हो गया। जलती हुई बाइक के पास वो भी काफी देर तक घायल पड़ा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक पर सवार उसकी दोनों बहनों को भी इस हादसे में चोटें आई हैं। रास्ते से गुजर रहे कई लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाया और मीडिया को दे दिया। जिसने भी इस घटना को देखा वो हिल गया। इस हादसे को देखकर अफसोस के साथ साथ सबक लेने की भी जरूरत है। सड़क पर सफर करते वक्त अपनी और दूसरों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियम तोड़ने और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी से ऐसे हादसे होते हैं। हम अपील करते हैं कि जब भी सड़क पर निकलें तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय नागड़ा, खंडवा, आज तक।